फर्स्ट एडवेंचर। मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ रहा हूँ। वो सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई है। वो बहुत आसानी से आगे बढ़ जाता है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हमको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देने मूव ऑन, इसके बाद अदर वर्ड्स। यहाँ पर जो आप मूव देख रहे हैं, ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि मूव, मूव्ड, मूव्स, मूविंग, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वो सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई है। सी हैज़ मूव्ड ऑन बाय लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। सी हैज़ मूव्ड ऑन बाय लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम मूविंग ऑन इन माई कैरियर। आई एम मूविंग ऑन इन माई कैरियर। वो बहुत आसानी से आगे बढ़ जाता है। ही मूव्स ऑन वेरी इजीली। ही मूव्स ऑन वेरी इजीली। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर, पैसा और होता किस लिए है? भाई बहन और होते किस लिए है? जिंदगी और होती किस लिए है? गाइज, इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हमको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले हमें लिख देनी है व्हाट एल्स, उसके बाद इज या फिर आर। अगर आपके सेंटेंस में सिंगुलर की बात हो रही है तब आपको यूज़ कर देनी है इज, और प्लूरल के लिए आर। इसके बाद नाउन, नाउन के बाद आपको यूज़ कर देनी है फॉर। अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पैसा और होता किस लिए है? व्हाट एल्स इज मनी फॉर? व्हाट एल्स इज मनी फॉर? भाई बहन और होते किस लिए हैं? व्हाट एल्स आर सिबलिंग्स फॉर? व्हाट एल्स आर सिबलिंग्स फॉर? जिंदगी और होती किस लिए है? व्हाट एल्स इज लाइफ फॉर? व्हाट एल्स इज लाइफ फॉर? दोस्त और होते किस लिए हैं? व्हाट एल्स आर फ्रेंड्स फॉर? व्हाट एल्स आर फ्रेंड्स फॉर?